सो मैंने एक बार सुना था, डोंट लव द पर्सन हुम यू लव, लव द पर्सन हु लव्स यू। Hello YouTube fam, I'm Rohit and I'm Rohit too, you can also call me Peter. So today's video is very important. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसा जो आप लोग बहुत दिनों से हम लोगों से पूछ रहे थे, YouTube, Instagram, Facebook, हर जगह। हम कैसे मिले, how we met basically, उसके ऊपर आज का वीडियो है कि हम लोग कैसे मिले, हम लोग कहाँ मिले, कब मिले और क्यों मिले। ओके, सो ये काफ़ी पुरानी बात है क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 years। तो हो सकता है कुछ बातें मिस भी हो जाए या फिर ऐसा नहीं कि कल का बात हो तो फ्रेश नहीं है बिल्कुल माइंड में कि ये फ्रेश है, बट हाँ देर इज़ समथिंग लाइक इतने साल हो गए फिर भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मेमोरीज है कि क्या है नहीं है। सो हम लोग मिले थे 2016 में, फर्स्ट मिले थे 2016 में। तो मैं तब किसी को डेट कर रहा था उस समय और ये सिंगल था, फेसबुक में मैं इसको देखता था और मुझे काफ़ी क्यूट लगता था। अभी लोग फेसबुक में लाइव जाते थे, ये होता था वो होता था, तब के टाइम में बहुत ज़्यादा। तो मैं एक फ्रेंड के साथ रहता था, हम लोग कुछ फ्रेंड्स एक साथ रहते थे, मतलब जैसे वीकली वीक में 2-3 दिन एक साथ रहा, थोड़ा टाइम पास हुआ, थोड़ा पार्टी वगैरह किया। तो उस समय मेरा जो फ्रेंड था उसका ये मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड था, तो हम लोग एक रात गए थे हम लोग पार्टी से, हम लोग एक ढाबा में गए और ढाबा में जाने के बाद वहाँ पर हम लोग अपने आप चिट चैट वगैरह कर रहे थे। अचानक से देखा कि ये वहाँ से पास कर रहा है, तो मेरे फ्रेंड ने इसको आवाज़ लगाया, ये आया, दूर खड़ा था, दूर खड़े होके मैं देखा कि वो लोग बात करें, मैं दूर से इसको देखा, मैंने इज़ वेरी क्यूट ऐसा लग रहा था। फिर उसने मुझे बुलाया तो मेरे फ्रेंड ने, तो मैं गया इसके साथ इंट्रोड्यूस कराया, मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ, तो मैंने देखा है फेसबुक वगैरह में, तो इसका काफ़ी भाव था उस समय, मतलब वेरी पॉपुलर था वो, तो काफ़ी भाव था उसका, तो उसने उस समय अपना भाव नहीं दिया, तो वो बात बीत गई। उसके बाद तुम्हें कुछ याद है उस बात के बारे में? उसके बाद मतलब बलवन में हम लोग जब मैंने तब तुमको देखा था, तुमको याद है? हाँ मुझे याद है कि मतलब इसका एक फ्रेंड था, तो वो मेरा लाइक कॉमन फ्रेंड ही था, तो वो मुझे बुलाया, मैं गया देखा, फिर ये वहीं पे था, ये था और भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं हुआ था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था, ये मॉडलिंग करता था दैट टाइम कोलकाता में, बहुत ज़्यादा फेमस था। ऐसा नहीं था कि मतलब तभी हम लोग मतलब कुछ स्टार्ट हो गया या कुछ, ऐसे जस्ट उस दिन मिले, फर्स्ट टाइम मैं उसको देखा एंड वो मुझे देखा, बात हुआ, जस्ट लाइक दैट। एंड मेरे दिमाग में भी वैसा कुछ था नहीं कि रिलेशनशिप में जाना है या कुछ करना है, आई वाज लाइक दैट टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब फन वो होता था कि मतलब फन करेंगे, ये करेंगे, छोटे भी 10 साल। हाँ एक्चुअली क्योंकि ये 7 साल पुरानी बात है, तो तब के टाइम पे हम लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि ऐसा रिलेशनशिप होता है, वो है, ये है, इतना ज़्यादा हम लोग मतलब समझते भी नहीं, जैसे आप लोग आज के डेट में बोलते हो। उस समय 377 इलीगल भी था, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस भी था, डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था। हाँ तो उस समय उतना रिलेशनशिप इतना सीरियस बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा आउट भी नहीं थे लोग बहुत ज़्यादा। अभी जितने ज़्यादा लोग आउट है, अभी आते हैं सामने और बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, दैट टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता था, हम लोग डिस्क्रीट ही थे काइंड ऑफ सब, मतलब ऐसे ही। तो मुझे जहाँ तक याद है उसके बाद 6-7 मंथ बाद, मतलब मैं उसको देखता रहता था, 6-7 मंथ बाद मुझे पता चला कि ये मेरे एक फ्रेंड को डेट कर रहा है, मतलब हाँ एक फ्रेंड को डेट कर रहा है, कॉमन फ्रेंड था वो। हाँ कॉमन फ्रेंड था, उसको डेट कर रहा है, तो मुझे पता चला कि डेट कर रहा है, मैं सोचा ओके फाइन। तो फिर चल रहा था कुछ दिन, तो एक दिन इसका बॉयफ्रेंड मतलब जो मेरा फ्रेंड था वो एक और कॉमन फ्रेंड के साथ मेरे घर आया, तो मेरे घर आके वो लोग स्टे नाइट स्टे किया था, उन दोनों के बीच कुछ हो गया इसके बॉयफ्रेंड हाँ तो हो गया। अब क्या हुआ, वो इसका बॉयफ्रेंड थोड़ा मतलब सीधा सा था, तो ये वो जाके उसको बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ है और मैं गिल्टी हूँ बहुत ज़्यादा एंड आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू बिकॉज मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है वगैरह वगैरह। ये 2 हफ्ते का था, मतलब मैं उसके साथ 2 हफ्ते ही था, 2 हफ्ते में ही वो लाइक उसका लॉयलिटी टेस्ट हो चुका था कितना ज़्यादा लॉयल है या नहीं है। सो ये सोचा कि मेरे साथ हुआ है क्योंकि ये मुझसे जानता था और उसने बताया कि मैं रोहित के घर जा रहा हूँ रात में। हाँ मतलब प्लेस उसका था, वैसा प्लेस में था, तो मुझे लगा शायद अब मतलब मुझे कैसे पता होगा क्या हुआ नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो उसने नाम भी नहीं बताया था ना किसके साथ नहीं, बस बताया था कि इसके घर जा रहा है, इतना मुझे पता था। और उसके बाद उसके दूसरे दिन बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको लगा कि मेरे साथ ही हुआ है, तो ये उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप या फेसबुक में मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ है मुझे, उसने ऐसा बोला, मैसेज किया कि क्या मेरे साथ, तो मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट जस्ट मीट, आई टेल यू इन डिटेल्स। तो मैं बोला ठीक है फाइन। तो हम लोग स्पैरेंट में मिले, उसके बाद मुझे तो ये पहले से पसंद था, तो मुझे लगा कि मौका अच्छा है, पत्ता काट देते हैं
मुझे लगा कि हाँ तो मतलब और चीटिंग कर रहा है वो, और मेरे घर में ही किया, मेरे सामने किया, मैं तो प्रूफ ही हूँ। और इसने मुझसे पूछा जबकि कि क्या क्या हुआ बता। एक्चुअली ये उस हिसाब से ही आया था कि मेरे पास सबूत है, तो मतलब एग्जैक्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या हुआ था नहीं हुआ था, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, जिसने किया है उसको बोलो या फिर कुछ ऐसा है। तो आई मतलब ठीक है चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है, बात करते हैं तो फिर समझ आएगा। मैं गया था क्लियर करने के लिए ताकि वैसे तो मेरे साथ मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का रिलेशन ठीक होने वाला था नहीं, वैसे भी फिर भी एक होता नहीं है कि चलो मतलब थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया, दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि चलो यार ये हो गया। फिर हम लोग मिले प्लैनेट में मिले, जो लोग कोलकाता से वो लोग रिलेट कर पाएंगे, लाइक प्लैनेट बलवंत सिंह पार्क सिम पार्क, तो वो लोग उन लोगों को पता होगा कि कहाँ हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ से। तो स्प्लैनेट में उस दिन मिले थे तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, मतलब पहली बार मतलब फेस टू फेस मिले, फिजिकली मिले और डेट, लाइक इनडायरेक्टली एक डेट था हम लोग। तो मिले मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड भी गया था, वो काफ़ी सपोर्टिंग था, ही वॉज हेट्रोसेक्सुअल बट वो काफ़ी सपोर्टिंग था, मतलब वो सब कुछ जानता था एंड वेरी कंफर्टेबल था, होमोफोबिक नहीं था, मतलब ही वॉज वेरी होम फ्लेक्सिबल। उसी ने तो आधे टाइम बोल बोल के हम लोगों का वो कर दिया था रिलेशनशिप का, नहीं होता है कि ओ तो वो भी पसंद करता है तुम भी करते हो, ये कर लो वो कर लो। मतलब जब भी उससे मेरे साथ मैं उसको फ़ोन करता था या फ़ोन पे बात होता था तो वो बगल में इसे बोलते रहता था कुछ ना कुछ, तुमको मिस कर रहा है, ये कर रहा है वो, तो उस हिसाब से ना वो धीरे 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 बिल्ड होते रहा। तो मिले बात बात किया, उसके बाद हम लोग का कॉन्स्टेंट कॉल पे बात होने लगा, मतलब फ़ोन पे कभी रात में दोपहर को सुबह को कभी कभी फ़ोन पे बात करते रहते थे। तो वो हमेशा पास में रहता था मेरा फ्रेंड, और वो हमेशा बोलते रहता कि हाँ तुम्ही को मिस कर रहा था, तुमसे ही बात तुम्हारे बारे में। ये घर में कम रहता था दैट टाइम, और मतलब लोगों के घर में ज़्यादा रहता था, कभी इस फ्रेंड के घर में नहीं, एक ही कभी उस फ्रेंड के घर में, तो ऐसा ही हाँ ऐसा ही था वो बेसिकली, किसी न किसी फ्रेंड के घर में रहता था, पार्टी करता था, ये करता था, नाइट आउट करता था। बेसिकली उस समय मैं शोज़ करता था, डांस का शोज़ करता था, तो इसीलिए क्या होता था कि कभी मतलब मेरा घर जो था वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं कंट्री साइड में था, तो कोलकाता के थोड़ा कंट्री साइड में था, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो जब मैं शोज से आता था कभी कभी बच जाता था रात के 1:30 2 कभी कभी बच जाता था ट्रेन से आने में, तो उस समय वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता था। तो ही वॉज़ अ गुड फ्रेंड, तो मैं उसके घर पर कभी कभी रुक जाता था, और ऐसा कभी कभी करते करते ऐसा कभी कभी होता था कि 1 week 2 week मैं रुक गया उसके घर में। इन सब के बाद तो मतलब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था अपने जो मेरा जो क्रश है, मतलब मेरा क्रश नहीं, मेरा जो इन्फैचुएशन था जो था उसको लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो स्टेबल, मतलब मुझे पता लग रहा था कि वो स्टेबिलिटी नहीं, लेकिन है। मैं कंफ्यूज नहीं था, मैं क्लियर था, क्योंकि जब मैं इससे बात करता था तो ये उसके बारे में ज़्यादा बात करता था, तो पता चलता था कि प्रायोरिटी कहाँ पे है, तो इसका प्रायोरिटी दैट टाइम वहीं पे था। मुझे याद एक दिन नंदन में भी मैं शायद इससे झगड़ा करके फिर गया था, ये आया था दौड़ दौड़ के मेरे पास बात करने के लिए, मैं उसको भगा दिया था कि तुम नहीं, एक्चुअली उसके पहले ही मतलब तुम मेरे घर पे थे उस दिन मॉर्निंग को, तुम मेरे घर पे थे और घर पे सेम टॉपिक की बात हो रहा था, सेम टॉपिक मतलब जैसे मैं बोला था ये उसी के बारे में बात कर रहा था, तो आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड दैट डे, ये गुस्सा होकर चला गया घर से, गुस्सा होकर चला, जाना एक ही जगह था हम लोगों को, मतलब एक ही इवेंट अटेंड करना था नंदन में, तो ये भी जाने वाला था मैं भी जाने वाला था, लेकिन इतना वो हो गया कि मैं बोला मैं चलता हूँ तुम आराम से आ जाना, तो मैं फिर चला गया, फिर मैं जाके देखा कि ये भी वहीं पे है, फिर ये आया बात करने के लिए, फिर मैं बात नहीं किया चला गया, तो उस दिन वैसे ही वो ख़त्म हो गया, मतलब हाँ मैंने उनको देखा कि ये सामने से जा रहा है मेरे सामने से, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहा, मुझे अचानक से नज़र में आया, मुझे रियलाइज़ हुआ अपनी गलती की, मैंने घर पे जब उसको वो चला जा रहा था मुझे रोकना चाहिए था, मैंने नहीं रोका, मैं उसको ऑलरेडी मतलब उसके मैं उसके ऊपर भी बोला ठीक है जाओ मैं देख लूँगा क्या होता है नहीं होता। फिर मैं जब लोग जब एक ही जगह पे गए उसके बाद मैंने उसको देखा, तो मुझे फिर अचानक इंस्टेंट रियलाइजमेंट हुआ कि नहीं आई वाज रॉन्ग, तो मैं उसको जाके तुरंत जाके सॉरी बोला ये बोला, तो वो कुछ देर के लिए थोड़ा पिघला, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा वो था, नहीं पिघलने का कुछ था ही नहीं ना दैट टाइम, तो तुम मतलब लाइक अलग ही जोन था वो, तो वी डिसाइडेड टू लाइक चलो ये नहीं वर्क होने वाला या कुछ भी ऐसा है वैसा है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर बात नहीं किए शायद कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद नहीं हुआ था, बट फिर मुझे याद है 2016 के एंड में, मतलब सॉरी 2016 के एंड में नहीं 2017 के स्टार्टिंग में जनवरी में, तो उस समय उसका बर्थडे था, मेरे जो फ्रेंड जिसकी बात कर रहा हूँ उसका बर्थडे था, तो हम लोग गए थे एक डिस्क में, और वहाँ पे जाने के बाद उसका बर्थडे था, तो मैं उसको लास्ट टाइम भी पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए मुझे फीलिंग है, मतलब ऐसा नहीं मैं उसको बोल सकता कि लव है, मतलब इट वॉज इन्फैचुएशन शायद, मतलब अच्छा लगता था और मतलब दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा बढ़ के था, उस समय इतना पीटर के साथ इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं हुआ था, बात बात करते थे अच्छा लगता था,
तो उसने मुझे बताया कि नहीं हम लोग सिर्फ दोस्ती रह सकते हैं, तो मैं उसने बहुत रोया जाके, तो उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, ही वॉज वेटिंग फॉर मी बलवंत में, ये उसने मुझे बोला था कि मैं बलवंत में वेट करूँगा, तुमको अगर आना होगा तो आ जाना, आई विल बी देयर। तो मैं ठीक है, तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि तुम वहीं पे हो, तो बोला हाँ। तो मैं वहाँ से मैंने कैब लिया, मैं चला गया इसके पास। उसके बाद मैं जाने के बाद इसके साथ पूरा रात हम लोग, पूरी रात मतलब रात शायद मैं पहुँचा था तब 1-2 बज रहा था, है ना? नहीं, मैं शायद तब दैट टाइम मैं भी किसी पार्टी में था, मैं किसी पार्टी से आया था वहाँ पे और तुम वहाँ पे थे, तो मैं था शायद ऑर्कोज में, मैं ऑर्कोज में पार्टी कर रहा था एंड ऑर्कोज से फिर बलवंत सिंह, लाइक दैट टाइम ना ऐसा होता था कि हम लोग क्लिक पार्टी करते हैं एंड उसके बाद नाइट आउट, बलवंत में जाओ, डिनर करो, चाय पियो, ये सब करके फिर अर्ली मॉर्निंग घर पहुँचते थे, ये तब का रूटीन था हम लोगों का दैट टाइम। तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये बोला कि हाँ मैं आऊँगा बलवंत में, तो ठीक है फिर मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ से निकला, निकल के मैं गया बलवंत, जाके हम लोग मिले, वहाँ पे बात बात थी, वेटिंग फॉर मी, वो पहले से बैठा हुआ था, मैं कैब से उतरा, मुझे याद है मैं कैब से उतरा, ये बैठा हुआ था, हम लोग मिले, फिर इसको उसी मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में बैठना नहीं था, तो हम लोग बोले कि चलो लेट्स वॉक। नहीं, फ्रेंड सर्कल तो उस समय नहीं था, वो लोग बाद में आया। नहीं, बाद में कहा, मैं तो जाके देखा कि वो लोग था ना सबको एक साथ, तो हम मैं और तुम फिर चले गए ना आगे। हाँ, आगे तक। हाँ, पैदल 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 चलते 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 बहुत दूर चले गए। हम लोग एक्चुअली होल नाइट, हम लोग पूरा पूरी रात एक्चुअली हम लोग वॉक करते रहे, मतलब हाँ हाथ पकड़ के वॉक करते करते हम लोग बलवंत से, क्योंकि दैट टाइम ऐसा था कि मतलब बहुत सारे बात थे जो नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था, तो वो बात कंटिन्यू होना था, तो तब ना बात ख़त्म नहीं होता था। वो रात तो स्पेशल है, उस रात को मतलब हम लोग का बात ही नहीं ख़त्म हो रहा था, पूरा सब कुछ बात कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, चलते 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 थे, फिर शायद कोई एक बस स्टॉप में जाके बैठ गए हम लोग, एंड बस स्टॉप में जाके बैठ के फिर वहीं पे बात कर रहे थे एंड सुबह हो गया था लिटरली। उसके बाद हम लोग स्टेशन में, एक फ़ोटो मैंने शेयर किया था, बहुत बार शेयर किया वो फोटो इंस्टाग्राम में, अगर आप लोग इंस्टाग्राम में अगर देखोगे तो देख पाओगे, एक जगह पे स्टेशन में मैं बैठा हूँ, कुछ स्ट्राइप स्ट्राइप टी शर्ट था शायद 2017 लिखा हुआ है। हाँ, जनवरी विंटर है वो, शायद वो सेल्फी था जिस दिन से हम लोग मतलब कह सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों का वो पिक्चर है वहाँ पे स्टेशन में, मैं स्टेशन में ड्रॉप किया, छोड़ने के बाद मैं घर आ गया वापस। उसके बाद बात होता रहा, बात होता रहा, होता रहा, मिलते रहे, बात होता रहा, ऐसे ऐसे धीरे बहुत सारे धीरे 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 हम लोग आज इस जगह पे है फिलहाल। एक्चुअली मतलब कम्युनिटी में लोग रिलेट कर पाएंगे, मतलब कम्युनिटी में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी में अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज तुमको ये मिल जाएगा तो कल वो मिल जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी एश्योरेंस बहुत कम है कि मतलब जैसे हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में होते हैं कि चलो शादी हो गया, या फिर एक फैमिली प्रेशर होता है, वो लोग सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेंगे कि ऐसा हो गया, कुछ भी, प्रेगनेंट हो गए, बच्चे हो गए। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होता है कि आज अगर ब्रेकअप हो गया तो कल कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लिया, वहाँ से डेट वेट डेट में चले गए, हुकअप हो गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट लोग मूव ऑन कर जाते हैं। मैं उन सबको बोलना चाहूँगा जो लोग इंस्टाग्राम में से पूछ रहे थे कि हाउ टू हैव अ रिलेशनशिप फॉर लॉन्गर टाइम, तो सीरियसनेस एज के साथ आ जाता है। जो लोग भी मैसेज करते हैं शायद उनका एज मैंने पूछा है 18, 19, 20, 22, मैं बोलूँगा फोकस ऑन योर स्टडीज़ और मतलब करियर में अगर हाँ इवेंचुअली पार्टनर तुमको मिल जाएगा, बट ये जो टाइम है करियर बनाने का उसको अगर नहीं बना पाए तो तुमको तुम्हारा लाइफ फ्यूचर भी उससे डिसाइड होता है। वी स्ट्रगल अ लॉट, लाइक अगर किसी और दिन शायद मतलब अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो अगर ऐसा होगा कि मतलब कभी और कुछ टॉपिक पे बात करें तो इस टॉपिक पे शायद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का स्ट्रगल कैसा था लाइफ का। हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, मतलब इतने सालों में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्मूथली हो गया या कुछ भी नहीं हुआ, चलो हंसते खेलते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए, बहुत ज़्यादा ये है वो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग अपने अपने फील्ड में तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किए ही है, साथ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए कि मतलब साथ रहने के लिए स्ट्रगल किए हैं। हम लोगों ने बहुत साल शोज़ किया साथ में, मतलब इवेंट में जो शोज़ होता है, बैकअप डांसिंग होता है, कोरियोग्राफी होता है, मतलब संगीत कोरियोग्राफी करना, हम लोग दूसरे स्टेट्स में जाकर कोरियोग्राफी करते थे, तो ऐसा बहुत सारे स्ट्रगल किए हम लोग। उसी से एक्चुअली हम लोगों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग शोज़ करने लगे तब से हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे, वीक टू वीक्स ऐसा होता था, मंथ में हो सकता है 2-3 बार शायद घर जाना होता था, बाकी हम लोग साथ ही में रहते थे, तो उस वो काफ़ी हेल्प किया हम लोगों को लाइफ में, और कभी ना कहीं हम लोग दोनों ही मानते हैं कहीं पर लाइफ में जो भी होता है इट्स फॉर गुड। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, और हमारा जर्नी अभी भी कंटिन्यू है और हम लोग पूरा लाइफ साथ में रहेंगे। हम लोग कैसे मिले, सो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें, स्पेशली क्वेयर कम्युनिटी,
जो अपने अभी भी क्लोजेट में बंद है, बिकॉज वी थिंक क्लोजेट इज नॉट द प्लेस टू बी. थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो. ऑल्सो कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए. हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग साथ में रह नहीं पाते हैं, तो कभी कभी होता है तो बना देते हैं, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम लोग जब भी मिले तभी वीडियो बनाएं. आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बना पाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.